उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है. क्यों? फिर जैसे कि हम संक्षिप्त हो जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. भाई आप आईने के सामने अगर आप कर रहे हैं या आप एक बंद कमरे में कर रहे हैं तो आप ही हैं, आपको कोई जज करने वाला तो है नहीं. एक्टिंग का मतलब यह है कि आपका काम, आपका हुनर, आपका टैलेंट पूरी दुनिया देख रही है. और अगर आप किसी के सामने ही नहीं कर रहे हैं तो जज कौन होगा, कौन जज करेगा? आप एग्जाम देते हो तो एग्जामिनर होता है ना भाई जो आपको नंबर देता है. आप खुद ही एग्जामिनर बन रहे हो, आप खुद ही एग्जाम दे रहे हो तो कहते चले जाओ. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप में ये क्वालिटी आ जाती है कि आपको खुद पता चल जाए कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, तो खुद से अच्छा टीचर भी कोई नहीं होता. लेकिन आपका जजमेंट अपने बारे में सही होना चाहिए कि मैं ये सही कर रहा हूं. अंग्रेजी में कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो. तो खुद अगर जज बन जाते हो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक शॉट देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि यार कहीं इसमें कमी रह गई, एक और करके इम्प्रूव करते हैं, खुद पता चल जाता है. लेकिन वो सेल्फ असेसमेंट आपका सही होना चाहिए अपने बारे में. आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप बात बोल रहे हैं, किसी ने टोका आज तक आपको? कोई देखने वाला, कोई टोकने वाला, कोई आपको राय देने वाला, कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला तो होना चाहिए.